वेलकम बैक। आज हम लोग जियोग्राफी की चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। जानते हैं आज का ये लेक्चर आप सबके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया है तो आज आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरी डेडिकेशन के साथ आइए आज का रिविजन लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को रेफर करने के लिए हम हमेशा दो की टर्म्स का यूज करते हैं, फ्लोरा और फौना। जानते हैं इंडिया के केस में फ्लोरा और फौना में काफी ज्यादा वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया में फ्लोरा और फौना की ह्यूज डाइवर्सिटी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे दो कारण है, रिलीफ और क्लाइमेट। अगर मैं रिलीफ की बात करूं तो रिलीफ के केस में हम लोग लैंड की शेप के बारे में बात करते हैं और टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। अगर हमें एक रीजन की लैंड और सॉइल के बारे में पता हो तो हम ये इजीली बता सकते हैं कि आखिर उस रीजन में फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी कैसी होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा डेजर्ट। दोस्तों, डेजर्ट में सैंडी सॉइल होती है और वो कैक्टस को सपोर्ट करती है। इसके बाद मैं सेकंड कारण को डिस्कस करूंगी, जो है क्लाइमेट। क्लाइमेट के केस में हम थ्री एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं, टेम्परेचर, सनलाइट और प्रेसिपिटेशन। ये तीनों एलिमेंट्स फ्लोरा और फौना के सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए अगर हमें एक रीजन के क्लाइमेट के बारे में पता हो तो हम ये इजिली बता सकते हैं कि उस रीजन में फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी कैसी होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा हिमालयाज। हिमालयस के केस में टेम्परेचर जनरली ठंडा रहता है, इसलिए वहां पर उसी टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं जो खुद को कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट रख पाते हैं। अब हम फ्लोरा और फौना से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम स्टूडेंट एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी आते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा फूड चेन। दोस्तों, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। आइए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन हम सबके लिए कैसे यूजफुल है ये तो हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया के केस में 5 टाइप्स की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं। पहले हम इनके नाम जानते हैं। इनके नाम हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और लास्ट आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। आइए अब हम वन बाय वन इन सभी टाइप्स की वेजिटेशन को समराइज करते हैं और शुरू करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। यही रीजन है कि इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो इतने लंबे होते हैं। जानते हैं ये जो ट्रीज हैं, ये अपने लीव्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर शेड नहीं करते। यही रीजन है कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये पूरे साल भर हरे भरे ही रहते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज का हम कमर्शियल यूज करते हैं, जैसे कि रोजवुड या फिर रबर। आइए अब हम लोग फोकस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पर। दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट है ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर बारिश 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, इसलिए हम इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट का भी नाम देते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को 2 फॉरेस्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है, ड्राई डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस। जानते हैं जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनकी मेजर पोर्शन में तो कल्टीवेशन होती है और जो बचा हुआ पोर्शन रह जाता है उसे ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। वहीं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट उन रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां पर बारिश 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये जो फॉरेस्ट है ये इंडिया के मेनली ईस्टर्न पार्ट में ही नजर आते हैं।
थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स के बारे में। इन फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स हमें थॉर्नी ट्रीज और बुशेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाम ट्रीज या फिर कैक्टस। जानते हैं इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स काफी लंबी होती हैं और वो सॉइल के अंदर तक जाती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर ले पाए। और यहाँ के जो ट्रीज हैं उनके लीव्स बहुत ही थिक और छोटे होते हैं ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो। अब हमने थ्री वेजिटेशन को तो कवर कर लिया है, आइए फोर्थ वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है माउंटेन फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, माउंटेन फॉरेस्ट हर उस रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर कम होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्टीट्यूड में बदलाव आने से टेम्परेचर में भी चेंज आता है, और जानते हैं साथ ही टेम्परेचर में बदलाव आने से वेजिटेशन में भी बदलाव आता है। यही कारण है कि माउंटेन फॉरेस्ट के केस में हमें थ्री टाइप्स की वेजिटेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट है जो 1000 से 2000 meters तक के एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये टेम्परेट रीजन में सिचुएटेड है। सेकेंड आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट है जो 1500 से 3000 meters तक के एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। ये इंडिया में हिमालयस के सर्दन स्लोप्स पर दिखाई देते हैं। और लास्ट आ जाता है अल्पाइन वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है स्टूडेंट्स ये सबसे ऊंचे माउंटेन्स में नजर आती है, यानी कि इस केस में हम 3600 meters से भी ज्यादा के एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस वेजिटेशन का सबसे ज्यादा यूज नोमैडिक ट्राइब्स ही करते हैं, जैसे कि गुज्जर्स या फिर बकरवाल्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगी मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। ये फॉरेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्हें दूर से देखकर ऐसा लगता है कि इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो तो पानी पर खड़ी है, लैंड पर नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर टाइड्स का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहता है। टाइड्स के इन्फ्लुएंस के होने के कारण इन रीजन्स में मड और सिल्ट इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ के जो ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स हैं वो इस मडी वाटर के अंदर तक जाती हैं, इसलिए दूर से देखकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के ट्रीज तो पानी पर खड़ी हैं। तो अब आप सब 5 types की वेजिटेशन के बारे में जान चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ। फ्रेंड्स, फ्लोरा की तरह इंडिया में फौना के केस में भी काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो वर्ल्ड की 13% बर्ड्स और 12% फिश इंडिया में पाई जाती है। आप इंडिया के मैप में देखिए, आपको फौना की डाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जानते हैं दोस्तों, इंडिया के केस में फ्लोरा और फौना में जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो हम सबके लिए काफी बेनिफिशियल है। जैसे कि फिश से हमें न्यूट्रिटिव फूड मिलता है, प्लांट्स की मदद से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, इकोसिस्टम में हर एक एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज का कोई ना कोई रोल जरूर रहता है। हम ये जानते हैं लेकिन फिर भी हम अपने एक्शन से इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट नहीं करते। हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं, साथ ही इंडस्ट्रीज को डिवेलप करने के लिए एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। हम फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट नहीं करते, इसीलिए हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट किया जा सके। आइए पॉइंट्स की मदद से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने 14 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं। पॉइंट नंबर 2, 1992 से ही हमारे कंट्री की गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती आ रही है। पॉइंट नंबर 3, इको डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो। और लास्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी सेटअप की हैं। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया है, आपके मन में अब किसी भी तरह का डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैप्टर को और भी इजी तरीके से हमेशा के लिए याद रखना चाहती हैं तो आप इस चैप्टर के नोट्स, पैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और लाइव सेशंस को विजिट जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।